फ्लेवर्स आज मैं बनाने वाली हूँ स्पाइरल पिज़्ज़ा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 200 ग्राम्स, मलाई ली है 1 टीस्पून, सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ली है 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, घी ले लें या ऑयल ले लें 1 टीस्पून, सोया सॉस डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मैरिनेशन के लिए रख दें 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और जो चिकन को मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था अब मैं वो बनाने वाली हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से भूनते जाएं, इसको इतना भून लें कि ये पक जाए अच्छे तरीके से। चले हम इसका सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। स्पाइरल पिज्ज़े की हम डो बनाते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1 कप, ईस्ट ली है 1 टीस्पून, सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, और मैंने शुगर ली 1/2 टीस्पून, ऑयल ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। इसको बस अच्छे तरीके से मिक्सी मिक्सी कर लें। मिक्सी करने के बाद हमने इसके अंदर 1/4 कप मेरा पानी डाला था, जितना आपका डल जाए आप उतना डाल लें, मेरा 1/4 डला था। इसको अच्छे तरीके से आप घून लें। इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऑयल लगाया है ताकि हाथों में ना चिपके, और फिर इसको 30 मिनट्स के लिए राइज होने के लिए रख दिया था मैंने। के बाद जब राइज हो जाएगा तो इसको हल्का सा थोड़ा और गूंद लें। गूंदने के बाद हमने डो को हमने इस तरह लंबा सा बनाना है इसका, और इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है इस तरह, और फिर जो हमने छोटे छोटे पीस अलग किए थे हमने पेड़े बना लेने। उसके पेड़े बनाने के बाद हमने इसकी रोटी बेलनी है। हमने रोटी गोल नहीं बेलनी, हमने रोटी जो है ऑलमोस्ट ओवल शेप में बेलनी है। जब हम सारी रोटियां बेल लेंगे ओवल शेप में तो फिर हम इसके ऊपर मैंने लगाया है पिज्ज़ा सॉस लगाई है। पिज्ज़ा सॉस के बाद हमने जो चिकन बनाया था वो डाल देंगे। चिकन के बाद हम इसके अंदर कॉर्न्स डालेंगे। कॉर्न्स के बाद मैंने कैप्सिकम्स लिए हैं, प्याज लिए है, और ये मैंने लिए हैं ऑलिव्स। ऑलिव्स को मैंने चॉप कर दिया। फिर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, ग्रेट की हुई, और वो डाल देना है। डालने के बाद हमने इस तरीके से इसको बंद करना है, इस तरह आप इसको बंद करते जाएं। जब हम इसको बंद कर देंगे, ये मैंने ट्रे ली थी, मैंने ट्रे को पहले ही ग्रीस कर लिया था, फिर हम इसको इस तरह हम रखेंगे इसके ऊपर, ट्रे के ऊपर इस तरह करके हम सारे बना लेंगे।
फिर मैंने एग लिया है, एग इसके ऊपर लगाया है, इसको पूरा अच्छे तरीके से एग लगा लें इसके ऊपर। लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाई है, और मैं वेजिटेबल्स लगा रही हूँ, जो हमने वेजिटेबल्स अंदर डाली हैं वो ही मैं ऊपर डाल रही हूँ। फिर मैंने ऑरिगेनो लिया है, वो डाला है, और ये है, ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, वो डाल दिया ऊपर। मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था, 45 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके थे प्री हीट हुए हुए, फिर मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको 35 मिनट्स के बाद देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के बाद मैंने देखा तो मेरा बन चुका था। अब हम इस ट्रे को बाहर निकाल लेंगे, डिश आउट करें, मज़े से खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।